फायदा कहाँ होता, दो तीन साल से नुकसान होता टमाटर में। क्या भाव बिक रहा है? अरे 4 रुपया 5 रुपया। इसमें सरकारी मदद कुछ मिल रही कि नहीं? नहीं, पहले यहाँ से बाहर भी जाता था टमाटर। हाँ जाता था, अब नहीं जाता, सरकार के तरफ से रोक लगा था, बॉर्डर सील बा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार जैसे क्या करे आपके लिए? अरे क्रय केंद्र खोल दे सरकार, समर्थन मूल्य दे, जैसे गेहूँ धान के दिलाए तो फायदा हुई, खरीद ली सरकार। अच्छा, सिंचाई वगैरह की क्या व्यवस्था है? सिंचाई वह गड्ढा उड्ढा में बरसात पानी रुका रहा तो वही सोला ना, तो यहाँ सिंचाई साधन नहीं था। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। तो आप लोग टमाटर खेती कब से करते हैं? यहीं 12-14 साल से। कितना टमाटर आपने लगाया है? 4 बीघा लगाए हैं। अच्छा, तो इसको करने में आपको क्या कुछ फायदा वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस समय तो फायदा नहीं है। क्या रेट आप टमाटर बेच रहे हैं? यही 4 रुपया 5 रुपया। अच्छा, तो इसकी लागत तो आपको निकल जा रही है कि नहीं निकल जा रही है? नहीं, पूरी नहीं निकल पा रही है। तो आप लोग कैसे करते हैं, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? अब क्या करेंगे, अपने अपना खेती है तो मैनेज कर होता है, घाटा मुनाफा सब उसी में। अच्छा, पहले सुनने में आया था कि आप लोगों के यहाँ से टमाटर बाहर विदेश भी जाते थे। हाँ हाँ। आज क्या स्थिति है? आज नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? अभी बॉर्डर बंद हो गया है, इसकी वजह से नहीं जा पा रहा है। अच्छा, इसमें आप लोगों को सरकारी मदद कुछ मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही? नहीं, कुछ भी नहीं। इनकी मांग है कि सरकार को जैसे धान या गेहूं का क्रय केंद्र बनाते हैं उसी तरीके से टमाटर का भी क्रय केंद्र बनाए, जिससे इनको बेचने में कोई दिक्कत न हो और इनको दलालों इनको किसी प्रकार से दलालों की चंगुल में ना आना पड़े। प्रदीप शर्मा, ईटीवी भारत, सोनभद्र।